प्रदेश में चल रहे कोरोना संकट के बीच राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले से आइसोलेशन वार्ड की बदतर हालत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आइसोलेशन सेंटर में अव्यवस्थाओं और इलाज के नाम पर मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला सफेदाबाद इलाके के चंद्रा हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का है, जहां कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज के लिए भर्ती हुए मरीजों ने वीडियो बनाकर अस्पताल परिसर से लेकर वार्डों तक फैली गंदगी को उजागर किया है। इतना ही नहीं, यहां भर्ती मरीजों की माने तो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें यहां भर्ती कराने के बाद उन्हें पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं टिकट नगर का रहने वाला हूं, हिमांशु जैन। एक ही परिवार के तीन लोगों की प्रशासन द्वारा जांच कराई गई थी 12 तारीख को, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकट नगर द्वारा कल हमें यहां भेजा गया है पॉजिटिव आने पर। कहां पर भेजा गया आपको? चंद्रा हॉस्पिटल बाराबंकी रेलवे क्रॉसिंग के पास। अभी क्या दिक्कत हो रही है आपको यहां? अब हमको तो फीवर आ रहा है, तो मेरी माता जी को फीवर आ रहा है। हम अपनी दवाई लाए थे टिकट नगर से, वही खा रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी गई है। डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर दो कल से आए हुए हैं, किसी ने आके हालचाल तक नहीं पूछा, ना पर्चा देखा, कोई डॉक्टर नहीं आया है। ना तो कोई डॉक्टर मरीजों का हालचाल लेने यहाँ आता है और ना ही कोई सफाई कर्मी यहाँ सफाई के लिए पहुँचता है, जिसके चलते अस्पताल के मेन गेट से लेकर वार्डों के अंदर तक गंदगी का अंबार लगा है। इसके अलावा यहाँ भर्ती मरीजों के खान पान की भी कोई उचित सुविधा प्रशासन द्वारा नहीं की गई। इनमें सोएंगे? हाँ। तो हाँ, कुछ हल्का नहीं, तो यहाँ आने के बाद फिर आपको कोई सुविधा यहाँ मिली? सुविधा यहाँ कोई, यहाँ कोई चेकिंग वगैरह हुई? कुछ नहीं चेकिंग हुई, न कोई डॉक्टर आता है। अच्छा। गेट के अंदर सका दिया और करने के बाद ये हमको पता नहीं चला कहाँ जाना है, किसी ने बताया नहीं। कोई सामान अभी मंगाए घर से, उसके बाद साबुन तेल सर, वो चाहे उनका कोई होता है तो सर उनका सामान गेट चलाता है। अच्छा। हमारा कोई होता है तो कुछ सर आने ही नहीं देते हैं, आने नहीं देते, बिठा लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बिठाए हुए सामान नहीं दे रहे हैं? सामान नहीं दे रहे। यहाँ पे कुछ मिलता है? नाश्ता भी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ खाना और नाश्ता क्या क्या यहाँ रख देते हैं? वही इस बारे में जब बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्रा से जानकारी का प्रयास किया गया तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। पंजाब केसरी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।